ग्लासगो के बाद बात करते हैं कश्मीर की। दुनिया और कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, लेकिन मगरिब खामोश है। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन अब्दुर रशीद तुराबी लंदन पहुंच गए। कहते हैं इंसानी हकूक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हुरियत रहनुमाओं की नजरबंदी, कश्मीरियों को इबादत गाहों से दूर करने और कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तेआल कार्रवाइयों की जानिब दुनिया की तवज्जो मरकूज करवाएंगे। मजीद जानते हैं लंदन से अपने नुमाइंदे असद अली इंजीनियर से। जी असद, बताइएगा मजीद। जी शुक्रिया। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है अब्दुर रशीद तुराबी साहब, जो कश्मीर की कानून साज असेंबली है, उसके रुकन है, और उसके अलावा वो यहाँ पे शिरकत करेंगे। जो इंसानी हकूक पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है 14 अक्टूबर से, तो उसमें शिरकत के लिए अब्दुर रशीद तुराबी साहब यहाँ पे पहुँचोगे। हम इसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के ऊपर, जो कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, और वो किस किस मौजूद पर, किन किन जो वहाँ पे जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, भारतीय अफवाज जो है वो कर रही है, इनसे हम पूछेंगे कि वो किस किस मौजूद पर यहाँ पे ब्रीफिंग देंगे। जी सामने सबसे पहले तो आपको भी खुश आमदीद, आप लंदन में पहुंचे, आप सिर्फ चले भी यहाँ पे आए हैं, जो स्थानीय कॉन्फ्रेंस होती है। हमें इसका बताइएगा कि इस शिरकत में जो आप किन किन मौजूद पर आप यहाँ पे ब्रीफिंग देंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया। जैसे उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कश्मीर में, बर्मा में और दुनिया भर में इस जिस तरह से मुसलमानों के हकूक का माल किया और जहाँ मुसलमानों के अलावा किसी के साथ कोई जुर्म जाती है, इंसानों के इस ग्लोबल विलेज के अंदर बुनियादी हकूक है, हक अरादियत है और हक की आज़ादी है, तो जहाँ जहाँ सलब हो रहा है और उन सारे मौजूद पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खास तौर पर कश्मीर में जो रियासी दहशत होती है, जिन्हें पुरान जगह कर रहे हैं, अकवा मुता के आजादी के मुताबिक अपना अच्छे राय नहीं मांग रहे हैं, और उस अमन के रिजोर को जिस तरह से भारतीय रियासत दहशतगर्दी के नतीजे में क्रश किया जा रहा है, उस तरीके से आप देखें पाँच लाख लोगों को शहीद हो चुके हैं और तमाम बुनियादी इंसानी हकूक वहाँ पर मुतल है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुर रशीद तुराबी साहब की, जिनका ये कहना था कि उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के अलावा जो कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, जो भारतीय वहाँ पे मुजालम डाल रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद करेंगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इबादत गाहें हैं वहाँ पे, उन मुसलमानों को रोका जा रहा है उस इबादत गाहों से अपनी इबादत को अदा करने के लिए, उसके हवाले से भी वो आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो खुरीद रहनमा है हमारे कश्मीर में, उनको भी जो ज़ेर हरासत रखा गया है, उनको नज़रबंद किया जाता है, तो उसके हवाले से भी, और वो जो यहाँ की मगरब हैं, जो यहाँ की आलमी ताकतें हैं, उनकी तोजह उस जगह मरकूज करवाएंगे ताकि वो इस चीज इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भी वो डेनमार्क में भी जाएंगे, जहाँ पे कश्मीर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 20 तारीख को, तो उसमें जो आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं वो भी शिरकत करेंगे। तो उनका यही कहना था, इनका आने का मकसद यही है कि कश्मीर के हवाले से जो इंसानी हकूक की पामाली है उसमें आवाज़ बुलंद कर सकें और दुनिया की तोजह मरकूज करवा सकें।